भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा के चुनाव में चुनौती देने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष इंडिया गठबंधन कथित रूप से बिखराव के क्रूशियल स्टेज पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर अब कोई बात नहीं होगी। हालांकि वो गठबंधन में बनी रहेंगी और बीजेपी को हराने के लिए संघर्ष करती रहेंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। इस यात्रा में ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही कहा है कि बीजेपी के अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ाई लड़ेगा। कूच बिहार में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश भर में नफरत को बढ़ावा देने के साथ हिंसा फैला रहे हैं। राहुल ने कहा है कि पूरे भारत में अन्याय का बोलबाला है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। अब सवाल कई हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस की अहम यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची और ममता ने उससे पहले ही कांग्रेस पर बम क्यों फोड़ दिया, इसे कैसी राजनीतिक रणनीति समझा जाए? क्या ये विभिन्न राजनीतिक दलों के स्वाभाविक राजनीतिक दावपेच हैं जो अपने अपने दल की मजबूती के लिए करते रहते हैं? क्या ऐसे पैतरों से बीजेपी को चुनौती देने वाला संयुक्त विपक्ष वोटर्स में भ्रम पैदा कर रहा है? राहुल गांधी की भूमिका इस स्थिति में क्या योगदान निभाती नजर आती है? क्या ममता कांग्रेस से नाराज हैं या उन्हें अपने अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर चिंता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने ये सवाल रखे जाएं। ये सवाल क्या है, आज स्ट्रेट टॉक एक नजर डालिए ममता की कांग्रेस से नाराजगी के क्या कारण हैं, इन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे स्ट्रेट टॉक में। एक सवाल ये कि क्या न्याय यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस को मुख्य उद्देश्य से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या असम में कांग्रेस की यात्रा की कथित लोकप्रियता से ममता सहज हो गई हैं? क्या पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पहले से ही मुश्किल भरा था और इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत या फिर इसका ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत कतई नहीं? हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है इस मसले पर बातचीत के लिए। आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ गौतम लाहिरी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्ट्रेट टॉक में। गौतम सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। दीदी ने जो पैतरे या फिर कह लीजिए जो कथित तेवर दिखाए हैं, क्या ये अपेक्षित तेवर है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो इतना तल्ख हो जाएंगी? हालांकि अधीर रंजन लगातार वार कर रहे थे। आप किस प्रकार देखते हैं पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा भी पहुंची और उससे पहले ही ममता के ये तेवर? देखिए, आपको ये भी बता दूं साथ साथ, जब राहुल गांधी का यात्रा बिहार पहुंचे तब भी तृणमूल कांग्रेस का नाम से नहीं, लेकिन स्थानीय कुछ नागरिक वो पोस्टर बैनर लेके आए थे कि बंगाल में दीदी इकाई अकेला ही छाव है, बाकी किसी का जरूरत नहीं जी। अब बीजेपी के खिलाफ बोली, इस तरह का पोस्टर उन्होंने लगाया जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं था, लेकिन लगता है कि तृणमूल का समर्थन। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का जो वोट बैंक है इसके लिए तनातनी रहेगा, ये मेरा पहले से ही अनुमान था, क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है इसमें दो फॉर्टलाइट है, एक फॉर्टलाइट रहेगा, एक बंगाल एक पंजाब, बाकी जगह पे हो सकता है कि कुछ तालमेल हो जाए। लेकिन इसका कारण जो है ममता का जो रूप था तेवर था कि वो, आपने सही एक सवाल उठाया कि कांग्रेस का क्या था असम का तृणमूल कांग्रेस अभी उस जगह के लिए बहुत काम कर रहे थे ताकि उस जगह पे इस बार बीजेपी को हराया जाए। इसपे अगर कांग्रेस इस पे दवा करते हैं तो इसीलिए उसको लगा कि कांग्रेस ने शायद किया होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा ना कि हम दोस्ती करने के लिए तैयार था, लेकिन तो सब कांग्रेस से आया, पहले ही हमारा सब ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस 8-10, हो सकता है कि 5 में कांग्रेस
नीचे आ सकते हैं। मैं इस पहलू को मैंने तीन तरह दृष्टिकोण से देखता हूं। पहले बात यह है, जब इंडिया गठबंधन में ऐसे उनका गठबंधन घटक दल ऐसे पब्लिक अपना बड़े पार्टी के खिलाफ जो बयान देते हैं, इसके लिए पब्लिक परसेप्शन है। ये पब्लिक परसेप्शन है कि इंडिया, आपने जैसे कहा कि इंडिया गठबंधन क्या बिखर रहा है, तो ये बिखरने का मैसेज जाता है प्रोटी वोटर को, ये एक नेगेटिव चीज है। लेकिन बंगाल का जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस पिछले बार भी 2019 में दो सीट आपके मलबूत में जीता था, बीजेपी और तृणमूल को हरा। अब भी अजीत चौधरी जिस तरह से बयान करता है, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का जो बयान देखेंगे उसमें यह कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हो रहा है वो बयानबाजी है ममता बनर्जी का 15 साल का एंटी इनकम्बेंट। अगर अजीत चौधरी को जीतना है ममता के खिलाफ बोलना ही, ममता का खिलाफ जो वोट है खासकर मुश्किल मालदा दोनों जगह पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, 60% माइनॉरिटी वोट बहुत अहम मुद्दा रखता है। लेकिन बाकी साउथ बंगाल में कांग्रेस का कुछ है 1-2% वोट लगा, वो टोकन को इसलिए शायद बोल रहा होगा, वो भी ममता देने के लिए तय नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे कांग्रेस अगर मजबूत नहीं हुआ, मतलब जिस कांग्रेस को हरा के बीजेपी ने 170 सीट जीता उस जगह पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, बाकी गठबंधन का दल जितना भी जीत 40 जीते कि आपका बाकी जगह भी लोग और कुछ जीते, इससे फायदा नहीं होगा जब तक कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर। इसलिए 100 का आंकड़ा पार करने का मतलब है बीजेपी का 100 आंकड़ा कम। इसलिए कांग्रेस कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी कोशिश कर रहा है बंगाल से भी 1-2 सीट अगर एक्स्ट्रा आ जाए इसकी कोशिश कर रहा है, तब अभी एक बड़ा पल मेरे ख्याल से उठाना चाहिए था, नहीं दिखाता है। क्योंकि चुनाव के बाद अगर मोदी आ गया, मोदी जीत गया, जैसे परसेप्शन ये भी एक परसेप्शन सबसे ज्यादा मुश्किल भी पड़ेगा क्षेत्रीय तक, क्योंकि कांग्रेस भले सीट मिले कांग्रेस जीत में रहेगा, बीजेपी उसके खिलाफ बोलती उसको इतना कद बढ़ाया है, कांग्रेस रहेगा कांग्रेस को तो पूरा मिटा नहीं सकते जी। लेकिन ममता क्षेत्रीय लोगों का समझना है कि अब लार्जर इंटरेस्ट में कुछ सबको कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए, अपना कुछ जो डिमांड है ममता को भी छोड़ना चाहिए, बाकी लोगों को भी छोड़ना चाहिए क्षेत्रीय लोग, तभी एक मैसेज जाता है ग्रुपिंग वोटर के पास, नहीं तो मोदी और बीजेपी नहीं कैंपेन करेंगे ना, इंडिया गठबंधन तो बेकार है, तो पहले ही बोला था एक दूसरे के साथ लड़, हमारे साथ कहां लड़ता है। गौतम सर ने एक्सप्लेन किया है कि असल में क्या इससे समझा जाना चाहिए, दीदी इज एनफ, ये पोस्टर्स मैंने भी देखे, हालांकि वहां पे कोई पार्टी चिन्ह या फिर कोई पार्टी का बैनर ऐसा कुछ सामने नहीं है, लेकिन इन सब नारेबाजी को, इस तरह के डिस्प्ले को आप किस तरह से देखते हैं, खास करके राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में और इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा ममता दीदी, जो कि इसको प्रमुखता से वन ऑफ द मेजर फेस ऑफ इंडिया ब्लॉक, उसके बावजूद इस तरह की तनातनी, इस तरह की बातें कि दीदी इज इनफ। आलोक सर धन्यवाद नेहा जी, मुझे एक ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के जो भी कदम हैं या जो भी पैतरे जो अपनाए जा रहे हैं कुछ दिनों से जो अपना रही है वो मुख्य तौर पर एक अपनी जमीन को खोने का डर है, क्योंकि अभी जैसे दादा ने बिल्कुल सही बात कही कि जब भी कांग्रेस अगर बढ़ेगी आप ये मान करके चलिए कि क्षेत्रीय दलों के लिए एक खतरा पैदा होगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर कांग्रेस को अपनी स्पेस मिलती है तो टीएमसी को भी थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, और इसको अगर आप अगर और आगे ले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर ले जाते हैं जहां पर असली समर होना है, असली लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी है, तो यहाँ पर अखिलेश को भी समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कांग्रेस अपनी खोई जमीन को अगर पाती है तो इनके लिए थोड़ी सी एक मुश्किल आएगी। तो ये जो छत्रप है वो छत्रप कभी नहीं कहेंगे कि इनकी जमीन कमजोर हो, और एक बात और, ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ सीटों पर अगर वो तालमेल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपों की नजर इस बात पे भी है कि चुनाव के नतीजों के बाद जो तालमेल होगा तो उसमें एक अपना एक दबदबा भी कायम है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर ये 50 सीटें 70 सीटें खिसका सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई अगर आप, चूंकि प्रोग्राम का इतना नहीं आप समझ दे पाएंगे, लेकिन अगर आप
बंगाल से भी अगर आप शुरू होती है, बंगाल आते हैं, बिहार आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, तो अगर ये रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और अगर कांग्रेस भी इसमें अगर शामिल हो जाती है तो मुझे लगता है कि अगर ये 20-25 सीटों पे अगर बहुत मजबूती के साथ में अगर लड़ते हैं, अगर ये 20 सीट भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा से छीन लेते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बंगाल से आप इसको चालू करिए, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और फिर इसको आप आगे कर्नाटक भी ले जाइए, तेलंगाना भी ले जाइए और नॉर्थ ईस्ट भी ले जाइए। आज नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसे हालात हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पुरानी सीटों को कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है, वो नहीं कायम रख पाएगी वो। ठीक है, कल एक असम में होगी तो, लेकिन एक चीज और है, ममता बनर्जी का बयान को मैं दो संदर्भों में भी देखना चाहूंगा। मैं एक ईडी के संदर्भ में भी देखना चाहूंगा, ईडी के संदर्भ में सभी विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं सबको मैं देखना चाहूंगा कि ईडी का डर कितना इनके ऊपर छाया हुआ है, मरना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे हम लोग जैसे राजनीति के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी भी राजनीति समझती है, अखिलेश भी समझते हैं, वो तो दिन रात उनका राजनीति का ही उठना बैठना सोना चिंतन सब राजनीति है जी। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी क्षणों में जब चुनाव की घोषणा होने दी गई, ये अंदर खाने कुछ ना कुछ चीजें तय हो गई हैं और अभी जो कयास है सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पर वो पार्टियां क्षेत्रीय दल खुद लड़े, इनमें ममता बनर्जी भी शामिल है, ज्यादा से ज्यादा पर लड़े और बाकी को स्पेस नहीं देना चाहती। बंगाल का केस थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, बंगाल के ममता बनर्जी का जो एक स्टैंड लिया है कि लेफ्ट को दरकिनार करना, लेफ्ट को कहीं भी रखा नहीं जाए, कांग्रेस वो तालमेल के फेवर में है। और ममता बनर्जी का वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन मेरे नाम पर रखा गया, मेरे सुझाव पर रखा गया, लेकिन वहां पर जबरदस्ती वो लेफ्ट वाले उसमें हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा डर माकपा को, मतलब लेफ्ट को रोकने का ममता बनर्जी का है, इसीलिए ये दबाव बनाने की रणनीति का ही मैं हिस्सा मानता हूँ जी। ये तमाम वही चुनौतियां हैं जो जब ये गठबंधन बना था तब सबको पता था कि इस दिन का सामना करना है। गौतम सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये तमाम दल जिनके अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग वोट शेयर्स हैं, इन सबको पता था कि इस दिन का सामना हमें करना है, इसके बावजूद अगर नीतीश परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं, ममता इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं, अखिलेश कमोबेश यही बात करते हुए दिखते हैं, केजरीवाल यही बात करते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वाहित ही ऊपर है और जो बात विकल्प बनने की है उस विकल्प में। और मैं एक स्टेटमेंट बार बार कांग्रेस का भी करना चाहूंगी कि कांग्रेस के जितने भी स्टेटमेंट आफ्टर ममता स्टेटमेंट आया है रिएक्शन में, वो सब डिफेंसिव भी दिखता है। आपको लगता है कि ये आपका आकलन है या फिर ये मेरी गलतफहमी है कि जयराम रमेश हो चाहे राहुल गांधी हो, खुलकर नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं उसको एक संभला हुआ स्टेटमेंट के तौर पर ही दे रहे हैं? नहीं, नेहा जी बिल्कुल सही अपने बात उठाया, क्योंकि कांग्रेस दिखाना नहीं चाहते हैं कि उनके कारण किसी घटक दल छोड़ के जा रहा है, इसलिए आखिरी मोमेंट तक उसको रखने का कोशिश करेगा। ममता का जो कंसर्न है इसके ऊपर तो बातचीत नहीं होगा, बात तो सही है, जो पहले दिन जो ममता ने बोला अभी तक जो कहा कांग्रेस उसमें राजी नहीं हुआ, उसमें रिजेक्ट कर दिया, ये उन्होंने ममता ने खुद कही, इसे हम समझ सकते हैं। इसलिए जो इस तरह का विभक्ति जो गठबंधन मेरे ख्याल से प्रीपोल अलायंस जो ऐसे कभी विरोधी दल का प्रीपोल अलायंस कभी देश में हुआ नहीं है, एक्सेप्ट जब जनता पार्टी बना था, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए अभी सबको पहले से ये तय करना था, एक बात से तो मैं सहमत हूँ ममता जी और नीतीश कुमार जी से, कांग्रेस देर कर रहा है सीट संतुलन, क्योंकि सीट की असली बात सीट का बारे में अगर वो अगर टालते जाएंगे एक दिन चुनाव का पहले ये उभर के आएंगे और इतना विस्फोट रूप आप देख पा रहे हैं जो देख रहे हैं, और भी कुछ दिखना होगा शायद बाकी है। मेरा कहना था कि सीट के बंटवारे में कांग्रेस का अपना बड़े पट्टी है, उन्होंने अपना आकलन किया होगा जरूर कि कहां पे वो कर सकते हैं। ममता का और बोला था कि सीट पे कांग्रेस अकेला लड़े उसमें हम मदद करेंगे, बाकी जिसमें जो वो ताकत जो क्षेत्रीय दल ताकत बन रहे वो उस जगह पे उनका अहम भूमिका निभा दे, तो ये जो संभावना है। लेकिन ये सारे राज्यों का जो स्थिति है, राज्य का स्थिति भी अगर मैं आपको बोल सकते अगर कोई समझौता होता है बहुत अभी था
जी लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, सीपीएम का जो कार्यकर्ता है, सॉरी सॉरी अब ब्रेक उनको वोट दी बिल्कुल कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस या सीपीएम का कोई भी गठबंधन के साथ सवाल यह है कांग्रेस के साथ होता है तो तृणमूल का कार्यकर्ता भी उसको वोट नहीं देते, उसके दोनों में इतना आप जो विरोधाभास इतना ज्यादा हुआ, आप एक कांग्रेस का लीडर अपना मस्तक मुंडन करके बैठा है, लोग आ रहा है जब तक ममता नहीं जाएगी तब तक बात नहीं बन, इस तरह का जो रूख तो आप सीट का समझौता करने से भी फायदा, मेरे ख्याल में एक समझना चाहिए समझना चाहिए, इसका बाकी स्टेटों में गलत असर जा रहा है मैं मान रहा हूँ, जैसे बाकी जो देश में बंगाल छोड़ मैंने पहले ही कहा कि बंगाल में इम्पैक्ट नहीं है लेकिन बाकी जगह पे होगा इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है अगर आप देश अगर आप छोड़ अलायंस करते हैं तो अलायंस के लिए बीजेपी के लिए टोटल अपोजिशन देश छोड़ दे, पंजाब का भी यही हाल, इसलिए अगर लेफ्ट अपना जमीन काटने का कोशिश कर जो वोट उसका 19 चला गया तो जितना भी वापस पाएगा उतना बीजेपी का नुकसान, इससे कांग्रेस का वोट गया था लेकिन अकेला ममता तो बीजेपी को पूरा रूप से नहीं पाया, ममता का आचरण भी पड़ा जी भाई, इसके ये सोचना चाहिए एक लार्जर कॉन्टेस्ट में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, अब फ्रेंडली फाइट बोल के कुछ नहीं है वो बेकार है फ्रेंडली फाइट, लेकिन आपको टैक्टिकल भी कुछ करना है, कहीं पे वीक कैंडिडेट हो कहीं पे आप सीरियस कैंडिडेट हो, इस टाइप का सोचने सोच के स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, इस तरह का राज्य बंगाल पंजाब। आलोक सर ये मैं कह पा रही हूँ कि इस बात की पूरी संभावना अब शायद है कि राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल में जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें कम से कम ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक मंच पर तो नजर नहीं आने वाले हैं, आपकी क्या समीक्षा आपका आकलन? देखिए ये तो आप सही कह रही हैं, मुझे भी नहीं लगता कि वहां नजर आने वाले साथ साथ, और ऐसा ही एक बिहार में भी होने वाला है, बिहार में भी नीतीश कुमार का लग नहीं रहा कि वो साथ में आएंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा देखिए कहता है कि कांग्रेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कांग्रेस की ये दूसरी यात्रा है राहुल गांधी की, दूसरी यात्रा के बाद में एक तबका तो ये है कि जो जुड़ता चला जा रहा है और जो वोटर्स थे जो फ्लोटिंग वोटर्स थे जो एक बड़े बड़े सपने में 2014 के सपने में 2019 के सपने में वो जुड़ गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और इधर की जो कुछ घटनाएं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा पूछते समझते हैं अध्ययनशील हैं जागरूक हैं थोड़े, तो उनका एक भारतीय जनता पार्टी से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भंग तो होगा, मैं उस तबके की नहीं बात करता, उनका एक हार्ड टंग है उसकी नहीं बात करता, मैं फ्लोटिंग वोटर्स की बात कर रहा हूँ जो एक एमएनसी इंतजार करते हैं जो पढ़े लिखे हैं जो थोड़े से चले गए थे कुछ उम्मीदों में बड़ी बड़ी उम्मीदों में, वो उम्मीदें कहीं भी पूरी होती दिख नहीं रही, तो कांग्रेस की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ लौटने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का एक तबका जो वोटर के तौर पर अगर देखा जाए समुदाय के आधार पर तो मुझे लग रहा है कि एक मुस्लिम तबका ये खुलकर कांग्रेस के साथ में आ रहा है, अब केवल दो पश्चिम बंगाल और दूसरा आप लेना चाहेंगे यूपी को, आप यूपी में ये किस तरफ जाएगा, यूपी में ये दो मतलब बंगाल में ये दो तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था, ममता बनर्जी भी नहीं चाहेंगे कि उस तबके को वो नाराज करें, लेकिन ममता बनर्जी फिर वो ये हिंदुत्व का बहुत ही एक पतली कहना चाहिए वो तलवार के ऊपर को चल रही है, वो उनको सॉफ्ट हिंदुत्व भी चाहिए, वो चर्च भी जा रही है गुरुद्वारा भी जा रही है सब जगह जा रही है सर्वधर्म कर रही है, किसी 22 तारीख ने किया जी। इससे पहले वो काली के वो श्लोक का मंदिर का भी ये कहा था कि मैं भी तो काली माता का जाप कर लेती हूँ सुनाया भी था, तो ये जो राजनीति है ये राजनीति मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर तक उनको ले जाएगी, और अगर मुस्लिम तबका जैसा देश में रुझान दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में भी अगर ये कांग्रेस की तरफ अगर मुड़ता है तो ममता बनर्जी को एक अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कोई भी आसार नहीं है कि ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल की 18 सीटें छीन लेंगी, ऐसा कतई आसार नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में वो गुजरात जैसा रिजल्ट दे देंगी या राजस्थान जैसा
भाजपा रिजल्ट देती है वैसा वो रिजल्ट दे देगी, इसके तो आसार नहीं है पश्चिम बंगाल में। इसलिए मुझे लगता है कि सीटों के तालमेल, चाहे वो चुनाव के बाद हो चाहे वो चुनाव की नामांकन के बाद हो, एक सीटों का एक तालमेल तो होगा। और फ्रेंडली फाइट का अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जो सामने पार्टी जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो कॉर्पोरेट स्टाइल में अपना चुनाव लड़ती है, तो वो फ्रेंडली फाइट की तो वो धज्जियां उड़ा देंगी अपने भाषणों में, उसका कोई मतलब नहीं है। या तो आप लड़ेंगे मिलके या आप सब कुछ खोएंगे। अस्तित्व की बात केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए अभिषेक बनर्जी बड़े सुरक्षित है इस समय ईडी के दबाव से, दो तीन बार न्योता जा चुका है। तो मुझे लगता है कि एक अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई में 2024 को तो आप चाहे जो भी समझ लें एक शेयर करें, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के मजबूत हुए बिना ये किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो इस पर तो इनको ध्यान देना पड़ेगा, दिल केवल कांग्रेस ही नहीं इनको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तभी बात करेंगे। और बड़ा कर लें 2029 में सारा सीटों पर लड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी चाहे 400 सीटों पर लड़ जाए चाहे अखिलेश 400 सीटों पर लड़ जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद केजरीवाल लड़ जाए 400 सीटों में, तो 2029 के लिए वो लड़ाई रखें। इस समय तो ये रख रहे हैं कि कैसे बच सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकसभा मैं भी कमोबेश इसी तरह से राजनीति को जितना भी समझ पाई हूँ भारत की, मुझे लगता है कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो भारत का मतदाता बिल्कुल ही विपरीत जो है अपनी सोच रखता है। गौतम सर, मैं इसलिए आपसे समझना चाहूंगी कि जब लोकसभा के चुनाव अगर हम देखें कि बीजेपी का क्या पैटर्न है, जो आपके सामने जो खड़ी पार्टी है वो किस तरीके से चुनाव में जूझती है, उस चुनाव की शैली को समझते हुए विपक्ष जिस शैली पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है जिसकी फाइट आप करें, ममता बनर्जी स्वयं जो कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तो बन ही नहीं रही है, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जमीन जो है ज्यादा ना चली जाए उसके खेमे में ये वो लड़ाई दिख रही है। तो आप अपने फायदे के चक्कर में आप पूरे के पूरे लोकतंत्र की लड़ाई जो है एक नैरेटिव तो गढ़ पाने में पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं। गौतम सर, लोकसभा और विधानसभा में यही तो फर्क है। एकदम बिल्कुल सही बात कहा, 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ममता बनर्जी के जो कामयाबी मिला उससे उसका लगता है कि वो लोकसभा में भी ऐसे कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव का अभी तौर तरीका बदल गया है, बीजेपी ने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है, एक तरफ उनके पास लीडरशिप के लेके उसका बहुत बड़ा एक महिम है जो एक्चुअली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के तौर को कर दिया है। दूसरी बात यह है कि उनके पास जो आइडियोलॉजी का जो ताकत है, एक है जो बहुसंख्यकवाद जिसको कहते हैं मेजोरिटीज़, आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये दोनों का कोई जवाब कोई अपोजिशन पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का जवाब है लोगों का दुख दर्द, इसको सामने लाना, कितना मिला कितना नहीं मिला, लोगों को फायदा हुआ कि नहीं। इसके लिए मेरा मानना है ये जो लोकतंत्र की अगर इतना बिखरा होगा अपोजिशन, इस पर लोगों को पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी कम से कम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं तो क्यों उसको वोट दे, इसे नुकसान भी उसको उठाना पड़ सकता है। इसलिए मेरा जो शंका है, जो हम सोच रहे थे बंगाल का जो स्थिति था जिसके बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ता था जी, कितना नुकसान होगा अब ये डाउटफुल होगी इस कारण से, क्योंकि 18 सीट जो मिला था मैं तो मान के चलता था कि सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ जाएगा, उसका जो पार्टी के अंदर गुटबंदी जो भी आए, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बनने उतर के आए उस समय उनका तो एक ही कहना होगा कि ये ऑपोजिशन अब किसको वोट दे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके नुकसान उठाना पड़ेगा ममता बनर्जी को, इसको नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को, ये चिंताजनक विषय है। इसलिए मुझे पता नहीं इसका समाधान से एक तो नहीं हो सकता कि राजीव गांधी बंगाल छोड़ के चले जाए, बंगाल प्यार ना करे और नहीं जाता तो वो सारे देश अगर जा रहा है तो कांग्रेस भी जाना चाहिए, बंगाल में भी जाना, उन्होंने तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं किया, उन्हें बीजेपी के बारे में ही बयान दिया, जानते हैं कि एक मैसेज उन्होंने कोशिश कर रहा है देने का, इसमें अब बाकी कितना एकोमोडेटिव हो सकता है दोनों पक्ष ये देखने वाली चीज है। इसलिए अभी इसका
लास्ट चैप्टर अब नहीं हुआ, जैसे कहा जाता है हिंदी में पिक्चर ऑफ बाकी है, इसके बाकी है अभी। ये न्याय यात्रा है, लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, सभी विपक्षी दलों का एक ही नारा इंडिया नाम रखा गया, लेकिन नैरेटिव गढ़ पाने में बार बार जो आपसी टकराव है, ये विफलता जो है अभी तक इनको मिली है। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्वयं क्या कर रहे हैं, वो भी तो सिर्फ अपनी ही पार्टी की जो यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ से कम कुछ तो स्ट्रांग मैसेज या फिर कुछ ऐसी भूमिका भी नजर नहीं आती है। अगर ममता बनर्जी एक बार खुलकर ये कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो कांग्रेस ने किस तरह से बड़ा दिल दिखाया है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय राजनीति में अगर दो तीन मुद्दे जो इस समय छाए हुए पिछले 4-5 सालों से, अगर उनकी तरफ ध्यान अगर आप देखती हैं, तो आपको लगेगा कि केवल राहुल गांधी ही ऐसे हैं जो मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखाई दे। इसके अलावा कोई भी ऐसा जो छत्रपति क्षेत्रीय नेता है वो भारतीय जनता पार्टी से उस तरीके से लड़ते नहीं दिखता है, चाहे अदानी का मुद्दा हो, चाहे वो लोकतंत्र का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर। अब आप देखिए मणिपुर का मुद्दा कितना ज्वलंत मुद्दा, कितना बड़ा, लेकिन आप याद करिए कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनमें से कितने लोगों ने कितने बयान दिए। अगर आप सर्च करना चालू करेंगे तो आपको ममता बनर्जी के बयान नहीं मिलेंगे, मिले दो तीन जरूर है, चार जरूर है, लेकिन 10 बयान नहीं, हर महीने भी एक बयान नहीं। वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए भी केवल एक बार उनका बयान आया, उसके बाद वो भी बयान नहीं आया। अखिलेश का देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री, बयान कहाँ है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मौजूदा मुख्यमंत्री, कहाँ बयान है। तो सवाल ये कि जब मणिपुर का जब ऐसा होता है तो उसमें कितने बयान आ रहे हैं। आप एक देखिए, 10 मदायकी हो रही है, ये जो ट्विटर वाले अंदाज में जो बयान देकर के अब एक्स में बयान देकर निकल जा रहे हैं, इस पे बात नहीं बननी पड़ेगी, आपको जमीनी स्तर पे आपको आना पड़ेगा। अब जैसे मथुरा का मामला, अब दिल्ली में जो भी है पत्रकार सब जानता है कि बहुत सारे सांसद हैं वो अपने आप को ढंग से लॉग इन नहीं कर सकते, उनको स्टाफ चाहिए, स्टाफ को अगर वो पासपोर्ट बोलते तो वो अपने आप सवाल में बोल सकती है, कई सांसद आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो शेयर तो होते हैं, लेकिन आप उस तरीके से किसी ने भी कोई इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। मुझे तो ये भी समझ में आ रहा है क्यों नहीं उठाया भाई, आप कुछ लोगों को छोड़ दी ना, आप कहना चाहिए कि आप आजकू को छोड़ दीजिए, 100 सांसद ऐसे होंगे जो अपने आप सवाल नहीं उठा पाते। एक सांसद ने तो कहा कि हमने सवाल ही नहीं, खुद जब से ये मोगो मुचरा की कंट्रोवर्सी हुई है ना, हमने तब से एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि खुद ही लोड करना पड़ेगा तो हमको थोड़ी उलझन होती है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुद्दा आप ये नहीं उठाते, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उस स्तर पर नहीं उठा रहे हैं, ना उस स्तर पर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। एक मुद्दा एक और आया, वो ईवीएम वाला भी आया। ईवीएम पे भी आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एक अपना नजरिया नहीं बनाते। तो लाड़ी जी भी बताएंगे मेरे ख्याल से, शायद आप बांग्लादेश में गए थे या बांग्लादेश का चुनाव भी बड़ी आपने गंभीरता से नजर रखी होगी उसके ऊपर, तो वहां भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, बड़े अखबार में, दिल्ली के अखबार में रिपोर्ट आई थी कि वो आखिरी एक घंटे में 14% वोट, आखिरी एक घंटे में। आखिर ये कैसे हो जाता है कि एक घंटे में 14% आपके कुछ, यही बातें कुछ पर गुजरात चुनाव के बारे में भी उठी थी। अब ये सवाल है कि आरोप ऐसे उठते हैं, ये पुष्टि तो बड़ी मुश्किल है कि कैसे होगी क्या होगी, इसका कोई तरीका नहीं है। अब जहां तक आप कह रही हैं कि ये बाकी लोगों का क्या, देखिए नैरेटिव गढ़ने का काम होना चाहिए। यहाँ एक ऐसा है कि जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, नोएडा मीडिया, वो तो इसी की ताक में ही है, पहले दिन से ही इसमें लगा हुआ है कि इसमें बिखराव हो रहा है, बिखराव हो रहा है, एक नहीं हो पाएंगे, उसका पहले दिन से ये नेगेटिव है। तो कभी है कि ये वैकल्पिक मीडिया भी यही पर आने लगा, उसी को पढ़ा रहा है कि इसमें बिखराव हो रहा है, एकता के कोई आधार दिख रहे हैं, कोई सूत्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये सब लोग राजनीतिज्ञ हैं, पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, इनको मालूम है, इनका होमवर्क हो गया होगा, ये मीडिया को नहीं दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इनका एक होमवर्क जरूर हो गया होगा, इनको भी मालूम है क्या स्टेप्स की लड़ाई है, किन सीटों पर तालमेल किया जाना है, किन सीटों पर ये मजबूत है, किन सीटों पर इंडिया गठबंधन के दूसरे दल मजबूत, ये सब इनको मालूम, स्टडी सब कुछ हो चुका है, बस घोषणा
देर है, और कुछ जगह तो उनके चुनाव अगर अकेला भी लड़ना पड़े जैसे पंजाब में हो गया तो लड़ जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। बंगाल का तो मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कितना अपनी सीट ला पाएगी नहीं ला पाएगी, लेकिन हाँ पंजाब के बारे में सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर कुछ गुंजाइश बनती है, जैसे कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक लचीलापन तो रखना ही पड़ेगा, एक बड़ी तस्वीर को आपको सामने रखना ही पड़ेगा। बड़ी तस्वीर किसी भी हालत में आपको कांग्रेस 100 में और बाकी सब जितने दल हैं सबको अपनी 5-5% दोनों 5-5 सीट भी अगर बढ़ा देते हैं जी। तो सत्ता दूर नहीं है। एक गौतम सर, एक मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि बार बार जो मौजूदा सरकार है उस पर ये आरोप लगते हैं कि संघीय जो हमारा स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का उसके प्रति जो है मौजूदा सरकार का तानाशाही रवैया रहा है, क्या बीजेपी की चुनौती को इस तरह से भी ये राजनीतिक दल लेते हुए दिख रहे हैं कि हम राज्यवार इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ाएं ताकि हर राज्य की जो जनता है जो वोटर है उसको ये बताया जा सके कि संघीय ढांचा जो है भारत का वो क्यों आवश्यक है और लोकतंत्र को वो की जो खूबसूरती है या फिर मजबूती और या फिर एक आम नागरिक का जो अधिकार है उसके लिए ये ढांचा कितना महत्वपूर्ण है, क्या इस राजनीति पर भी आगे बढ़ते ये तमाम दल दिख रहे हैं ये राज्यवार लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है? जी दुर्भाग्य की बात है, आपने जो बात कहा ये सारे राजनीतिक दल का जो विरोधी दल है इसको ये मुद्दा सामने लाना चाहिए था, लेकिन इतना जोर शोर से जैसे बीजेपी अपना मुद्दा सामने ला रहा है, मंदिर हो जो भी है उसका, लेकिन उसका वो जो मुद्दा सामने जितना आ रहा है कि भारत का संविधान जो नुकसान हो रहा है, संविधान का ढांचा का नुकसान हो रहा है, संविधान का मुद्दा नुकसान इस भारत के प्रचार करना चाहिए था, दुर्भाग्य नहीं हो रहा है, नहीं तो सारे भारत का सारे स्टेट जो है ये अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर है, अलग अलग संस्कृति भी अलग अलग, ये सब एक टाइप नहीं है, तो इसलिए इस चुनाव बीजेपी इसको कोशिश करते हैं कि एक नेता के नाम, लेकिन बाकी पार्टी को करना है कि अपना संघीय ढांचा को बचाने के लिए स्टेट स्पेसिफिक चुनाव को स्टेट का एग्रीगेट कर, लेकिन वो जितना करना चाहिए था, अभी सीटों का झगड़े में लगे हुए है ना, वो मुद्दा तो नहीं आ रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले पहले कहा था कि घर में ना बैठ के ट्विटर पे ना करके सड़क पर जी जी तब राहुल गांधी सड़क तो आया है, बाकी लोगों को भी आना चाहिए सड़क पे, इसी सड़क पर नहीं आएंगे जनता का बात नहीं करते, जनता क्या चाहती है नहीं सकते, असम में जिस तरह का राहुल गांधी को मिला रिसेप्शन मिला वो आश्चर्य है, मैं भी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना भीड़ इतना लोग आएंगे उसको देखने के लिए, युवा दौर पे भी आते आ जाते, बंगाल में कुछ बिहार में गया वहां पर भी कुआ पीट था, वहां पर कमजोर फिर भी आए थे, इसलिए मेरे ख्याल में जो मुद्दा बहुत जो मुद्दा उठा रहा है एक्चुअली देश का संविधान का मुद्दा, भारत कैसे बने के कैरी होना चाहिए इसका मुद्दा, ये मुद्दा पार्टियों आप कई बयान तक देखिए, अभी ना तो ममता बनर्जी का स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट उनके लिए दिल्ली में दरबार किया, प्रधानमंत्री के पास किया था, तो पैसा भी अभी तक नहीं मिला, बाकी स्टेट का अपना अपना समस्या है, लेकिन वो समझते कि वो लोग उसको सामने क्यों नहीं उठा रहे, तो बात है कि उनको अपना लगता है कि उनका अपना नाम के लिए 40-40 फीट जीत जाएंगे, ये मुझे गलत छवि में कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी ना हो कितने चयन करेंगे लोग इतना हमारा देश का लोग इतना आप से कहेंगे इतना ये नहीं है तो इंटरनेट जानते हैं बस वो नुकसान कर रहा है वो सही बोल रहा है सही को बोल ले, अगर सही बात ठीक ढंग से बोला जाए आपको काउंटर नैरेटिव लाना है सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया होता, क्योंकि अगर जो उसको जो संभव है वो उठाए वो भी एक काम कामयाब होता, बिल्कुल हर एक नागरिक का जो जी अधिकार है
और ये अधिकार कैसे संरक्षित रह सकता है, और कैसे और मजबूत हो सकता है, और कैसे सुदृढ़ हो सकता है? अगर इस तरफ भी फोकस अलग अलग ये विपक्षी घटक दलों का दिखता है, तो ये चुनौती इतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है जो कि बीजेपी ने खड़ी कर रखी है अपने संसाधनों के साथ और अपने कार्यशैली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गौतम सर आपका भी और आलोक सर आपका भी कि आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से भी मेरा अनुरोध फिर से कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी शिकायत है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें अपना कीमती फीडबैक ईमेल के रूप में info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी भेजना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।